रॉकी रंधावा के कैरेक्टर में उतरने के लिए रणवीर सिंह ने बहाया है इतना पसीना। देखिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिली सक्सेस के बाद कितना चौड़ा हो गया है रणवीर सिंह का सीना। और दीपिका को करण जौहर की आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म में क्या आया है सबसे ज्यादा पसंद? ये वो सवाल है जिनके जवाब वो फैंस जरूर जानना चाहेंगे, जिन्हें केजो की कमबैक फिल्म ने जमकर इम्प्रेस किया है और उन्हें भी जो कर रहे हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने की तैयारी। तो चलिए आपको दे देते हैं रणवीर के जिम वाले इस अवतार से लेकर आलिया और रणवीर के साथ केजो की इस पिक्चर तक के सारे डिटेल्स। सबसे पहले बात रणवीर सिंह की फैंस के साथ शेयर की हुई इस पिक्चर की। इस पिक्चर ने सोशल मीडिया का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। इस शर्टलेस फोटो में रणवीर अपने एब्स फ्लॉन्ट करते और बाइसेप्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पिक्चर खुद बयां कर रही है कि रॉकी के रोल में फिट बैठने के लिए रणवीर ने अपनी बॉडी पर कितना काम किया है। पिक्चर शेयर करते हुए रणवीर ने लिखा, इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये एक दूसरी पिक्चर आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। पिक्चर में डायरेक्टर के साथ फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स की खुशी साफ जाहिर नजर आ रही है। खुशी इस बात की कि फैंस को फिल्म पसंद आ रही है। आलिया ने शेयर करते हुए लिखा, लव है तो सब है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स थैंक यू फॉर ऑल द लव, इटर्नली ग्रेटफुल, लव रॉकी रानी एंड अ मेकर ऑफ दिस कहानी। वेल, फैंस को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर और आलिया का काम तो पसंद आ ही रहा है। इस मामले में दीपिका पादुकोण भी पीछे नहीं है। रणवीर सिंह ने रिसेंटली एक ऐसा ही वीडियो फैंस के साथ शेयर किया और कैप्शन दिया, शी लव्ड इट। वीडियो में दीपिका रणवीर की फिल्म का सॉन्ग व्हाट झुमका एंजॉय करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, दीपिका सॉन्ग के हुक स्टेप्स पर ग्रूव भी करती दिखी। और तो और, दीपिका ने आखिर में रणवीर सिंह से ये भी कहा, नोबडी कैन डू इट लाइक यू। वैसे करण जौहर के लिए ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक शानदार कमबैक फिल्म साबित नहीं हुई। फैंस रणवीर और आलिया के लिए भी इसे एक रिमार्केबल फिल्म मान रहे हैं। रिपोर्टेडली फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में 44.50 करोड़ का कलेक्शन जुटाया है और उम्मीद की जा रही है कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी।